तो एक बार फिर नए सफर की शुरुआत हो रही है और इस बार जो सफर होगा वो सबसे पहले उसकी शुरुआत होगी मां बम्लेश्वरी के आशीर्वाद के साथ, यानी डोंगरगढ़। तो राजनांदगांव से डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के बाद दुर्ग के रास्ते रायपुर तक का सफर तय किया जाएगा। अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जरिए वोटर के मानस को पढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत मां बम्लेश्वरी से होगी। मां बम्लेश्वरी का आशीर्वाद ही बेहद महत्वपूर्ण मायने रखता है राजनांदगांव सीट के लिहाज से। 8 सीटें राजनांदगांव में और लंबे अरसे तक यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा, अभी भी कांग्रेस के विधायक ज्यादा हैं। अब ये देखना है कि लोकसभा में क्या स्थितियां होती है, लेकिन उससे पहले वोटर क्या कुछ सोच रहा है उसे खंगालने के लिए हम आज इसी तरीके से जो हमारा कंसेप्ट है गाड़ी बुला रही है इसके जरिए वोटर के मानस को भांपने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और सफर का सिलसिला, क्योंकि गाड़ी बुला रही है। तो इस बार सफर थोड़ा रोमांचकारी है। 1600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है मां बम्लेश्वरी। मां बम्लेश्वरी का महत्व क्यों है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया, रोपवे बनने के बाद यहाँ पर सुविधाओं का भी विस्तार हुआ और टूरिज्म की दृष्टि से भी इसे देखा जाता है। राजनांदगांव क्षेत्र में मां बम्लेश्वरी का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है विजय सुनिश्चित करने के लिए। दावेदार से प्रत्याशी और प्रत्याशी से विजेता तक सभी मां बम्लेश्वरी का आशीर्वाद लेते हैं। प्रकाश भी हमारे साथ है, प्रकाश से भी मैं बात करूंगा। प्रकाश, आप भी वोट करते हैं? हाँ सर, वोट करता हूँ मैं। क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार चुनाव में लगते हैं? अब मुद्दे को देख के यहाँ पे सर ज्यादा चर्चे तो अपना वही भाजपा वाला चल रहा है। और मुद्दों की अगर बात कर ली जाए, रोजगार है, करप्शन है, क्या ये मुद्दे हैं अभी भी? अब ये उतना ज्यादा तो उतना देखने नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। आप किस जगह वोट करते हो, कौन सा लोकसभा पड़ता है आपका? मेरा कवर्धा जिला से आ जाता है। कवर्धा? हाँ। कबीर धाम से। अच्छा, डॉक्टर साहब वहाँ से तो लंबे अरसे से जीत रहे हैं। काफी समय तक जीता है वो। अच्छा, मेरा ख्याल है 1000 सीढ़ियां। हजार सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो रोपवे बनने के बाद से पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुआ है और अब लोगों की आवक भी बढ़ी है। जिस तरह से बाहर हमने देखा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। तो मैं भी रोपवे पर बैठने का मेरा भी ये पहला तजुर्बा है, तो मैंने सोचा कि दर्शकों को भी इस तजुर्बे से रूबरू करवाया जाए। पटरी के जरिए तो हम पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, बस के जरिए भी हम पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर रोपवे पर ये चर्चा आप देख पा रहे हैं तो ये एक अद्भुत अनुभव हमारे दर्शकों के लिए भी होगा। और अब रोपवे जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है, तो आगे का सफर इसी तरह जारी रहेगा। ये रोपवे आ गया और मेरी में जो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी वो थोड़ी शांत हो गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से है प्रशांत? उड़ीसा का। जगन्नाथपुरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से बम्लेश्वरी? जी। चलिए बढ़िया। तो आपने सुना, ये प्रशांत हैं, इसी तरीके से भक्ति भाव से और ये सिस्टम चलता है। भक्ति बड़ी चीज है, आस्था की जो ताकत है वो बड़ी चीज है। और कुछ लोग और भी आए हैं। आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव से। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ बिल्कुल। ओके, और इस रोपवे में आप इससे पहले भी बैठे हैं? हाँ, 2-3 बार बैठ चुकी हूँ मैं इसमें। आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं नहीं आपको? हाँ, तो नहीं लगता, थोड़ा बहुत। मुझे तो बहुत लगता है, थोड़ा बहुत लगता है। आप पढ़ाई करते हैं? जी सर। अच्छा, आप भी इससे पहले बैठ चुके हैं इस तरह रोपवे में? हाँ बैठ चुका हूँ। बैठ चुके हैं। किस क्लास में हैं आप, किस उसमें हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो अभी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। पर आपके यहाँ तो बड़ा करप्शन का इशू रहता है। फिर भी तैयारी कर रहे हैं? करना ही पड़ता है। तो आप भी कुछ कह रही थी जब मैंने करप्शन की बात की, आप हंसने लगी। जी, वो सब तो चलते ही रहते हैं इस फील्ड में। पर अपनी मेहनत चल रही है? अपनी मेहनत चल रही है और लगेगी भी। अच्छा, एक बात और है कि अब सरकार का कहना है कि राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से कैसे देखते हो आप? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो रिजर्वेशन भी, जो वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, वो होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है।
लोकसभा अभी जो चुनाव किसी भी हिसाब से आप बता सकते हैं क्या आपकी डिमांड? अभी जो चुनाव हुआ उसमें तो रिजल्ट अच्छा दिखा हमको, जो हम चाहते थे वही आया है, अपना जो सरकार आना था वही आया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिसाब से सरकार बने तो युवाओं के लिए ज्यादा अच्छा। एक बात और भी है कि जिस पर माँ बम्लेश्वरी का आशीर्वाद रहेगा सरकार वही बनाएगा। बिल्कुल 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 बनेगा। आपके हिसाब से आप तो तैयारी भी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? हमारा मुद्दा तो खत्म ही हो गया 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को ही खत्म हो गए। अच्छा, जो भी होना था। तो फेवरेट नेताओं की अगर बात कर ली जाए, कौन है फेवरेट नेता आपके? वो तो सभी अच्छे लगते हैं, अगर लोकल नेता रमन सिंह अभी अपने एरिया के विधायक हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब तो लंबे अरसे से यहाँ से ही रहे, राजनांदगांव के विधायक अभी भी है। तो ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और इन सबके बीच इनके हौसले आप देखिए, ये बिल्कुल डरे हुए नहीं है, पर मैं शायद पहली बार इतनी ऊंचाई पर। और माँ बम्लेश्वरी के बारे में मैं आपको बता रहा था, तकरीबन 1600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है और अगर आप सीढ़ियों के रास्ते जाएंगे, ये जो आवाज आप सुनते हैं ना, ये वैसे ही समझ लीजिए जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रेल जाती है, कुछ उस तरीके का ये है। और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं थोड़ी देर के लिए। एजुकेशन भी आपको लगता है एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, रोजगार भी है, एजुकेशन भी है, दोनों बहुत बड़ा मसला है, खास करके रोजगार, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक बात और है कि क्वालिटी एजुकेशन की कमी है छत्तीसगढ़ में, आपको लगता है? क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बच्चे तो यहाँ के काम के हैं। बच्चे तो यहाँ के काम, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपने मुझे स्क्रीन पर ये हमेशा बोलते सुना होगा जब भी मैं छत्तीसगढ़ के किसी प्रतिभा से चर्चा करता हूँ। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक 12 साल के बच्चे ने वो रिसर्च की है स्पेस पर कि सभी लोगों को उसकी लिखी किताब पढ़नी पड़ रही है और वो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता है। साहित्यकारों की भी ये धरती है। और अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, बहुत अच्छे जागरूक वोटर मेरे साथ थे। चर्चा का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और जय माता दी। तो मैंने कहा आस्था की ताकत सबसे बड़ी होती है, आस्था की ताकत के जरिए ही हम वापस सुरक्षित आए हैं। बहुत अच्छे वोटर्स हमारे साथ रहे, चर्चा जारी रहेगी क्योंकि गाड़ी बुला रही है। तो अगर आप राजनांदगांव लोकसभा का जिक्र करें और माँ बम्लेश्वरी की बात ना हो तो यह संभव ही नहीं है। मैं माँ बम्लेश्वरी के दरबार में ही पहुंचा हूँ और माँ बम्लेश्वरी के दरबार में पहुंचने के लिए मैंने इस रोपवे का सहारा लिया है। मैंने आपको कहा है कि राजनांदगांव के बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, पर पहले माँ बम्लेश्वरी के बारे में बता दूं। ये रोपवे की नई व्यवस्था की गई है, ये तमाम लोग रहते हैं, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसी तरीके से कैपेसिटी के हिसाब से लोग इस रोपवे में बैठते हैं। सारी जिम्मेदारी जो यहाँ का स्टाफ है वो निभाता है। आपके बैठने के बाद उस रोपवे को लॉक कर दिया जाता है और फिर ये रोपवे आपको तकरीबन 1600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लेकर जाता है। अब मैं माँ बम्लेश्वरी का जिक्र बार बार कर क्यों रहा हूँ? दरअसल प्रधानमंत्री खुद माँ बम्लेश्वरी का आशीर्वाद ले चुके हैं और माँ बम्लेश्वरी का बड़ा गहरा नाता मध्य प्रदेश से भी माना जाता है। माँ बम्लेश्वरी का नाता मध्य प्रदेश से भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में ये कल्चुरी शासनकालीन मंदिर है जो तकरीबन 2000 साल पुराना है। मध्य प्रदेश में जब आप जिक्र करते हैं विक्रमादित्य का जिक्र होता है, विक्रमादित्य की कुल देवी माँ बम्लेश्वरी ही है। एक बात, दूसरी बात मैंने फिर दोहरा दूं, दावेदार से लेकर प्रत्याशी, प्रत्याशी से लेकर विजेता तक सभी को माँ बम्लेश्वरी का आशीर्वाद पाना जरूरी है, विजय तभी सुनिश्चित है। यह सिलसिला जारी रहेगा, गाड़ी बुला रही है। एक बार फिर मेरा संयोग या सौभाग्य कहिए कि बैलगाड़ी मिल गई। तो आप अभी भी बैलगाड़ी चलाते हो जी? क्या नाम आपका? चुन्नीलाल। अच्छा, क्या करते हैं चुन्नीलाल आप? किसानी करते हैं। अभी चुनाव भी आ रहा है तो क्या सारी सुविधाएं लाभ सब मिल रहा है आप लोगों को? मिलता है? अभी धान का कुछ लोग कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य MSP नहीं मिला है, टाइम लगेगा करके कहते हैं। अभी तो बाकी तो नहीं मिला है, अभी बाकी वो मूल्य डाला है। हाँ हाँ हाँ, तो बाद में मिलेगा। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है, कैसा चुनाव उनाव पे चर्चा हो रही गाँव में, खेड़े देहात में आजकल? अभी ठीक है। कितने एकड़ है आपकी खेती? 3 एकड़। 3 एकड़ क्या क्या उगाते हैं? अभी पूरा लाखड़ी डाले।
लाखड़ी डाल रहे हैं। कितनी धान निकल जाती है 3 एकड़ में? वो 150 कट्टा निकल जाती है। 150 कट्टा निकल जाते हैं। तो खेती किसानी पसंद है कि नहीं, इस सवाल पर गिरीश जो है वो मुस्कुरा देते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती है। चुन्नी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सफर लगातार जारी है और बैलगाड़ी को मैं इसलिए भी इंक्लूड इसमें करता हूँ क्योंकि ये अब बहुत कम देखने को मिलती है। छोटे किसान, आप जा सकते हैं चुन्नी लाल भाई, छोटे किसान जो है जैसे 3 एकड़ इनके पास रकबा है, इस तरह के किसान ही इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मुद्दों के नाम पर बहुत खामोशी वो अख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ के साथ ज्यादातर हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह मैं आपको अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में सफर करवाता रहूंगा क्योंकि गाड़ी बुला रही है। ऑटो रिक्शा, अगर इसके इतिहास की तरफ जाएंगे तो यह आपको 1886 के आसपास लेकर जाएगा जापान। इसके बाद भारत देश आजाद होता है, तब यह रिक्शा के नाम से चला करता था। फिर भारत को आजादी मिली और 1948 में नेहरू के कहने पे फिरोडिया जो कारोबारी थे उन्होंने बच्छराज कंपनी के साथ एक ट्रेडिंग वेंचर बनाया। वही बच्छराज कालांतर में जाके बना बजाज। भारत से ही शब्द जुड़ा, यानी जो फिरोडिया थे कारोबारी उन्होंने ही रिक्शा में ऑटो को जोड़ा और ये बन गया ऑटो रिक्शा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी तक में शामिल है। सवाल ये है कि शो हमारा चुनावी है और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑटो ही वो चीज है। आप ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर तमाम तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन ऑटो ही वो चीज है जिसने कार और हाथ ठेले या हाथ रिक्शा की गैप को कम किया। सबसे ज्यादा लाखों ऑटो जो दौड़ते हैं, करोड़ों ऑटो जो दौड़ते हैं, वो गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज का ये सफर जो हम आखिरी पड़ाव की तरफ ले जा रहे हैं इसी ऑटो रिक्शा के जरिए होगा। थोड़ी सी बातचीत और फिर चलना शुरू करेंगे। वोट करते हैं आप? जी सर। और ऑटो रिक्शा से कमाई वगैरह सब अच्छा? सब अच्छा था सर, लेकिन अभी कुछ ऐसा नियम लगा दिया है जिससे हम ना जीने के लायक नहीं रह गए, ना घर का हुआ ना घाट का। लेकिन हमको एक ही बात कहे कि जैसे मान लो जो ऑटो बंद करता है साहब, कंपनी को पहले बंद करना चाहिए, फिर जाके हमको बंद करना चाहिए। हमको तो कंपनी वाला ऑटो धरा देता है, पैसा ले लेता है, हमारी एग्रीमेंट करा लोन करा लेता है, गाड़ी को क्या घर में सड़क कांस पैदा करके पैसा देंगे। अभी लोन लगा साहब हमको, कौन सा ये अपना लॉकडाउन का, हमने 17 मॉडल गाड़ी खरीदा साहब। अब हमारे खाने के लिए पैसा नहीं था तो हम लोन कहाँ से पटाते, हमारे ऊपर तगादा आया था साहब। हमने क्या बोला उनको, देखो साहब जैसा आपका नियम था हमने लागू आज तक की है, अब हमारे पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से देंगे। उसने वो भी समझा, कुछ मतलब से आ जाता है नेतागिरी करने के लिए और हम फंस जाते हैं मोहब्बत में, चलो यार हमारा कुछ काम आएगा करके, लेकिन बेवकूफ बना के निकल जाता है। एक बात और, मैं थोड़ा सा आपका गुस्सा भी जायज है, चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके, रोजगार, करप्शन, बेरोजगार? तो हमारी पूरी ठप हो गई साहब, हाँ, लाखों करोड़ों में चल रहा है साहब। हमारे रायपुर में कम से कम 70,000 से कम नहीं है, अकेले रायपुर में 70,000 तकरीबन ऑटो चलते हैं। और अब इसी के जरिए मैं सफर करूंगा, दो लोग और भी बैठे हुए हैं, वो भी इसी तरह के पेशे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने हैं। तो चलिए सफर को भी शुरू करेंगे और नए किस्म का ये मैकेनिज्म है, दो और लोग भी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं चुनाव के लिए? चुनाव के लिए साहब मुद्दे तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जैसा आपका संसार है वैसे ही चलना चाहिए, जैसे गरीबों पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। अब हम लोग बेकार पड़े हुए हैं, हम लोग का भी तो रास्ता होना चाहिए। लॉकडाउन में कुछ हम लोग को तो दिया नहीं सरकार ने, 15 साल की हमारी गाड़ियां थी ऑटो, उनको काट करके 10 साल में कर दिए, पेपर दीजिए, हैन दीजिए, तेन दीजिए, फिर भी सरकार यहाँ की है, चलिए नहीं कागज मांगते हैं, फिर भी हम लोग को राहत है थोड़ा बहुत अपना जिंदगी बसर करने के लिए। थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए कि कम से कम रास्ता मिले, जैसे दूसरे शहरों में ध्यान दिया जाता है उस टाइप का ध्यान दिया जाए। आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दे? देखिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, वो अलग चीज है। हम लोग ऑटो तो निकाल लिए, लेकिन लोगों के पास जो रोजगार नहीं है तो हमारे पास कैसे आएंगे, ये समस्या होती है ना। जब उनके पास रोजगार होगा तो आना जाना करेंगे कहीं ना कहीं, तब तो हमको काम मिलेगा। जब उनके पास ही पैसा नहीं, उनके पास ही पैसा नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आएगा, कहाँ से आएंगे, क्या करने के लिए आएंगे, बैठने के लिए, ये दिक्कत हो रही है। रोजगार बड़ी समस्या, रोजगार सबसे बड़ी समस्या को करीबन 14-15 साल की उम्र से देख रहा हूँ, चाहे आप कोर्ट कचहरी चले जाइए,
अगर कोई कागज निकालना है तो उसके लिए पैसे दो, मतलब बिना पैसे के कहीं काम तो होता नहीं। करप्शन इस तरह का बढ़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि आज अगर एक वहाँ आदत में आ गया है, एक क्लर्क है वो भी पैसे मांगता है, अधिकारियों की बात छोड़िए आप। एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या लगता है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बड़ा गैप है? बहुत बड़ा गैप है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स जाते हैं, उनको पढ़ाने से कोई मतलब तो है नहीं, उनको पेमेंट मिल रहा है, अपना वो पेमेंट लेते हैं। इसी डर से एक गरीब बच्चा भी प्राइवेट स्कूलों में जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ भी हालांकि वो हालत नहीं है अब पढ़ाई की जैसी होनी चाहिए। पैसा तो देता है लेकिन उस पैसे का वाजिब जो कीमत है बच्चे वसूल नहीं पा रहे हैं, वाजिब कीमत वसूल नहीं कर पा रहे हैं। आपके हिसाब से और क्या मुद्दा जो चुनाव में, अब आप कहाँ वोट करते हैं, कौन सी जगह? वोट तो अपना तेलीबांधा में ही देते हैं, तेलीबांधा रायपुर। और जो सरकार अच्छा काम करता है उसी को वोट देते हैं हम लोग। और वोट के लिए कोई कमी तो नहीं है, ना ही ये, थोड़ा सा सरकार थोड़ा टाइट हो जाए ताकि हम लोग का जिंदगी बसर चला अच्छा चले, हम लोग का आने वाला जो बच्चे हैं जो भविष्य है वो सही से रहे बस, और उनसे कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं। आप और हम जिस सड़क में थोड़े से गड्ढे होने के चलते परेशान हो जाते हैं, इनका पूरा जीवन उसी सड़क पर निकलता है। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये बुजुर्ग होंगे, जब इनकी उम्र हो जाएगी, किस कदर गंभीर बीमारियां जो हड्डी के रोगों से जुड़ी होती हैं वो इन्हें होंगी, इसका अंदाजा लगाइए। बावजूद इसके ये लगातार सड़कों पर चलते हैं और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऑटो के जरिए हम ये सफर कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कॉन्सेप्चुअली हमें पटरियों पर सफर करना था, लेकिन दरअसल छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर ऑटो, बस और मैंने आपको बैलगाड़ी के भी दर्शन करवाए हैं। इंटीरियर इलाकों में अभी भी बैलगाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, यही वजह है कि मैंने इस ऑटो को चुना है। बहुत बड़ी बात है, इस ऑटो ने कार और हाथ रिक्शा के बीच के गैप को कम किया है। आप कुछ कहिए, आप किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पर यकीन जानिए उनकी ईमानदारी की मिसालें चला करती हैं। ये भी यकीन जानिए कि आज भी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही हैं। और इन्हीं की इसी बातचीत के साथ इस सफर को हम यहीं पर विराम देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ मैं ललित प्रजापति लगातार आप तक वोटर के मानस को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आज का ये ऑटो का सफर उसी कड़ी का एक हिस्सा है। दोनों को इजाजत दीजिए, लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि गाड़ी बुला रही है।